क्या हाल है भाई साहब? बढ़िया भाई। पैंट सिलवानी थी यार। हाँ सिल जाएगी पैंट। उस्ताद जी वो कल मनफैद पे आता सांझ के टाइम। मनफैद का जो कपड़ा बचेगा नहीं, हाँ उसका कच्चा बना दियो। हाँ तो कोई बात नहीं, कच्चा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ना तो वो पहली पैंट तुम्हारी उसी की ले ले। हाँ उसकी वही है, हाँ वही साइज बनेगा। हाँ साइज तो वही सेम आएगा। क्या कह रहा वो नुकारा नुका मेरे को कल को मिल जाएगी मुझे भाई? एक दो दिन लगेगा, कल को आ जा तू। ठीक है हम तो पूरी रात काम कर रहे हैं यहाँ। ठीक है। उस्ताद जी वो मुनफैद पे आया था सबेरे। भाई यार इनने मनफैद ने तो रोज का बस आना जाना आना जाना। मुश्किल से 4 साल नहीं हुए वो पैंट दे गया था। वो तो अच्छा साफ साफ तड़ी देगा क्या भाई? इतने बड़े तम टेलर नहीं भाग जा रहे, मेरा कपड़े दे दो भाई। अन्नी इनका क्या करना तो मैंने नुकामा उस्ताद जी से बात कर लो। अब बड़े टेलर क्या अन्नी, तो हमारे तो बड़ा है कोई टेलरिंग एरिया में नाम खानदानी काम है। मैं तुझे एक एक धोती कुर्ता दिखा दूंगा कम से कम 60 साल का पीछे रखा। अजी जी भी तो मेरा अब्बा ना साफ साफ दादा का भाई टेलर, वो टेलर खतरनाक है, उसके दौरे जाइए मुद्दत पुराने पुराने कपड़े उस पता ही मिलेंगे भाई। मेन बात है हुनर की, हुनर जहाँ होगा ग्राहक वहाँ आएगा, चाहे उसे मिले ना मिले, चाहे उसका काम कितनी भी लेट हो रहा, बस देर तो हो रहा लेकिन काम तो बढ़िया हो रहा है भाई। मतलब अपना बस इस तरह नहीं चला करता भाई। काम काज पैंट दी और कल भी लेना आ गया, इसमें टाइम लगे इस चीज में, ले इसका काज करिए भाई। वो क्या कर दिया तूने? खिस्सा काटा। तुझे काज कहा था, तूने खिस्सा कतर दिया इसका। अजी मेरे पर कैंची लगी यार उल्टी सीधी। चल कोई बात नहीं, इस पर टेप लगा कर उल्टा कर दे इसे। लाओ दे उसका मन सेहत का पजामा। अच्छे आदमी यार। और वो पहले की तरह उस पर एल्फी मारना दी है कभी, वो सारा बटला हो जा। काम सीख रहा मेरे यहाँ नुकसान कर रहा, ऐसे वैसे उस्ताद के धोरे नहीं आया तू, समझ गया? नहीं मानना हुआ उस्ताद हूँ मैं। मैंने लगा दी उस पर टेप। हाँ बढ़िया है, टेप लगा कर जब उसे देगा तय करके दीजिए, अगर वो खुलने लगा यहाँ ना खुलवाइए उसे। कोहलर भाई इतना ही बड़ा हो कोहलर, तू यहाँ कोहलर खुलियो फिर रहा इंग दे गयो, क्या कांड हो गया यार। पिछली 15 मिनट तो सी तारा ऐसे ही बाल पता लगा, इसमें तक गई नहीं है। ओ ये तो नुकसान होगा जी। चलो अरे वो भी आने वाला, वो पैंट वाला जिसकी पैंट थी। कोई बात नहीं था, मैं उधेड़ दूंगा। कोई बात नहीं उधेड़ दा, कहां था कहीं इसमें तक गया थोड़े आया। क्या हाल है जी? ओहो और क्या हाल है? बढ़िया, वो पैंट दे देते मेरी। पैंट नहीं कच्चा, कच्चा नहीं भाई, कच्चा दिए पैंट उस्ताद जी। कच्चा था भाई, मैंने तुझे नुका था, मैंने कहा यो पैंट का कपड़ा इसमें तो पैंट बनेगी और जो कपड़ा बचेगा उसका कच्चा बनेगा। अजी हमने पहले कच्चा सी दिया, पहले छोटी चीज करी जानी यार, हमने सी तो दिया बढ़िया, पहन का बहुत बढ़िया लगा कच्चा हो यार। तुम मुझे पागल समझ रहे यार, मैंने नुका था बाद में सीना कच्चा। कच्चा बोलना था ना? अच्छा बाद में ही तो कहा। हाँ बाद में कच्चा तो बोलना था। बोलना तो था कच्चा। आज तो बस हमारे चेले ने सुन लिया था वो भाई, ये कच्चा बन गया था जोर क्या। तो भाई एक काम यार, वैसे तुमने करा तो गलत कहा का करा, जी कच्चा ही तो कहा था। पैंट भी तो बननी थी ना भाई, दो चीज बननी थी ना, तो एक चीज बन गई है भाई, बात तो आई है। अच्छा एक काम करियो तुम। हाँ बता। वो जितना कपड़ा बच रहा नहीं बिल्कुल, उसमें भी कच्चे ही बना दियो। उसमें तो कच्चे तो बनेंगे उसमें, तू नहीं करता यहाँ पे। ठीक है बच्चे ले। हाँ उस्ताद जी। बड़ा बढ़िया सी आओ। क्या जी? वो कच्चा उसका। मैं उस्ताद जी तुझे कह नहीं सकता, नहीं तो वो मेरे पर कभी नहीं सिया जाता ऐसा जैसा तूने उसे सिया। और बस अब यह दुकान मैंने खुश हो गया तुझे ही दे। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते जी। वो कपड़ा है इसकी शेरवानी सिलवानी थी जी। शेरवानी? हाँ 10 तारीख को बारात जागी मेरी। हाँ तो सुल जागी, क्या क्या बात कर रहे हो तुम? बढ़िया सी सी दियो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ना ना अपनों पे दे दो अपना। हाँ ना
जल्दी तो नहीं आया तुझे? 9 तारीख को दे दियो, 10 तारीख को बारात जागी मेरी। हाँ तो ठीक है। नमस्ते जी। नमस्ते भाई, नमस्ते। लाओ वो दे दो, शेरवानी दे दो। शेरवानी? हाँ शेरवानी देगा था जो। अच्छा अच्छा यार, उसमें तो काम रह रहा है अभी। काम रह रहा? हाँ परसों को लेता है ये तो। परसों को? हाँ। और कल को तो मेरे साथ थी, कल को तो बारात जा रही मेरी। भाई तूने याद क्यों नहीं दवाया फिर मुझे आकर? याद मैंने कहा नहीं था तुम्हें, 9 तारीख को आ जाऊंगा मैं लेने। इब क्या हो सका बताओ उसका? इब क्या करूं मैं बताओ? कोई बात नहीं, तू और कहीं तो देख लो कुछ। मेरे पे एक कोट रखा, उसे पहन के चला जाऊंगा मैं। हाँ लेकिन जो है ना वो चीज यार भाई। कोई बात नहीं, तो नो टेंशन होगा जा तू। नहीं नो टेंशन तो होगा जा रहा मैं, लेकिन वो सी दे तू। ठीक है ठीक है, वो कोट ही पहन के जाना पड़ेगा अब तो मुझे। ठीक है भाई। भाई जी क्या हाल चाल है? बढ़िया भाई बढ़िया। आजा बैठ। पहचाना नहीं क्या? ओ शेरवानी वाला। हाँ यार शेरवानी। तो कोई बात नहीं, तेरी शेरवानी सिल देंगे, बैठ जा तू। सिल देंगे वो भाई भी सिल देंगे तेरे। 20 साल बाद में तुझे आया अपने लोंडे के साथ दीप जा मेरे। मेरी तो जो हो वाली, मैंने तो जो कोट रखा था मेरे पास पुराना था। कोई बात नहीं, लौंडे के दिल था ने। हाँ भाई इसकी पैमात ले ले भाई, आने वाली 24 तारीख को इसकी शादी भाई। चलिए बेटा 20 दिन पड़े, कर दूंगा काम में उसका। नहीं आज 2 तारीख होगी। हाँ तो कोई बात नहीं, कर दूंगा काम, बन जाएगी इसकी शेरवानी। पैमात ले ले इसकी फिर। ठीक है पैमात, आ जा भाई। अच्छा भाई ठीक है भाई, एक बात सुन, मैं फिर कह रहा दोबारा तुझे दिक्कत ना हो जाए जरा सी भी। अरे तू टेंशन ना ले, लाल ले टेंशन ना ले। 20 साल हो गए तूने मुझे लारे लगा रखा, मैं तुझे कहकर जा रहा फिलहाल। या 20 दिन की बात है, 20 साल की बात है। जिसकी किस्मत में हो पहनना तो वही, मैंने नहीं पहनना मेरा लौंडा पहनने का। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं इसका ब्याह रेडी रखो तुम। हाँ बस बता रहा तुझे मैं, दिक्कत ना हो जाए जरा सी। 20 साल तो परेशान कर रखा तूने मुझे। कोई बात नहीं, अरे इसकी शेरवानी सिल देंगे भाई। तूने सिर खा लिया यार। हाँ सिर खा लिया। बैठ बैठ बस। अबे चला रखे पूरे 20 साल हो गए। ला भाई जल्दी उठा दो शेरवानी फटाफट। शेरवानी? हाँ हाँ बैठ जा, जो रहेगा थोड़ा सा काम, 8 घंटे का काम है, मैं तैयार हूँ। 8 घंटे का रहो, उठना लगा बैठा कते तैयार। 24 तारीख नहीं है आज तो। 24 तारीख है तो बारात जाओगे कै बजे आओगे बारात? बारात वो उठना लगा तैयार बैठा, उसे पिना नहीं बस। कोई बात नहीं बैठ जा भी कर रहा मैं 8 घंटे में। बैठ जा, उठना नहीं, मेरा दिमाग ना खराब करो तू। मैं तुझे बता रहा नहीं, तेरे जो है ना कोक में पड़ूंगा भी। ज्यादा समझ रहा हूँ शेरवानी तो तेरी, और तो नहीं कुछ आए। नहीं शेरवानी तो 20 साल हो गए तुम्हें मुझे लगा रखा, और मुझे पहननी थी अपनी शादी में, वो अभी नहीं पहननी। मेरे जाकत का टाइम आ गया, शादी का बुटना लगा बैठा उसके। तो कोई बात नहीं, अपने जाकत को भेज दे उसमें ही। किस में भेज दे? उसमें ही कोट पैंट में जो मैं पहन गया था। हाँ तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो रहा? वही मैं पहन के जाऊँ, वही मेरा जाकत तो क्या होगा? क्या बाहर निकल के बता, आदमी जाने की क्या?
हो गया मुझे तूने जो है ना 20 साल हो गए फिर आ रखा मेरी चपला भी घिस गई। क्या बात हुई? अरे 20 साल पहले तो शेरवानी दे गया था मैं अपनी शादी के लिए, ये मेरी शादी होगी मेरे जाकत की शादी आज, और मुझे जो है ना शेरवानी नहीं दे रहा है। 20 साल हो गए इनने मेरी चपला भी घिसवा दी। अगले आदमी को कह जा 8 घंटे बैठ जा शाम तक की दे दूंगा। तेरा भी डेली ड्रामा हो गया, डेली छुटाते फिर रखेंगे क्या? कोई बात नहीं, तुम छुटाइयो ना, इसका काम कर दूंगा मैं। नहीं तो मेरे रुक जा मैं अपने उस्ताद को बुला रहा है अभी। हाँ बुला, अपने उस्ताद को बुला, वो 1 घंटे में करता है काम। हाँ बट ठीक है, उसे बुला उस्ताद को। ये भी लेकिन ऊंची आवाज में ना बात करे मेरे साथ। मेरी जो है ना वो जक्कत बैठा था यार, बस ऊंची आवाज में बात करूंगा। अरे आराम से रुक रहो, रुक जाओ आराम से। हेलो उस्ताद जी, हाँ पंगा सा होगा, आ जाओ। लेवा आ लिया आ जगह मेरे चले। क्या हो गया? अरे इन्हें यार मुझे सिर पर ठा रखा, पूरा गांव देख कितनी भीड़ पर भीड़ कर रखी इन्हें केले आदमी ने। क्या मामला हो गया? ठंडी घुंटी ना बजाओ, क्या मामला? केले के साथ क्या कर दिया? पीछे हटो, बता क्या मामला हुआ? आयो 20 साल पहले मैं वो देख गया था अपनी शेरवानी, इब तक नहीं सीन ने। 20 साल हो गए, चप्पल भी घिस गई मैंने अपनी। बस तुझे क्या समझाया था मैंने? क्या समझाया था तुझे? और बस अब यह दुकान में ना खुश हो गए तुझे ही देख। चल ले एक बात है बस तेरे से, या जो तेरी टोपी है ना। अजी उस्ताद जी क्या बात, मुझे बढ़िया लगे। मैं तो देने वाला था तुम्हें उस्ताद जी, मेरी तरफ से है तुम्हें। चलो भाई बहुत बहुत शुक्रिया तेरा उस्ताद जी। 2-3 मुझे चीजा बता जाओ। चीजा मैं तुझे बताता रहा, जल्दीबाजी का काम ही ना पकड़िए। जी उस्ताद जी मैं याद रखो बात सारी बस। अच्छा भाई अपना ध्यान रखिए, काम कर मन लगा कर, और अगर कोई भी दिक्कत आवे ना किसी भी किस्म की, तेरा उस्ताद तेरे लिए हर वक्त खड़ा। अजी बहुत बहुत बस फोन कर दिए तू एक बार। एक उस्ताद जी कोई बात ठीक है भाई, गड़बड़ तो काम में होती आई, बस फिर मैं तुझे जाते जाते यही बात कहूंगा, जिंदगी में कभी भी जल्दीबाजी का काम ही ना पकड़िए। क्या समझा था? क्या समझा था तुझे कि जिंदगी में कुछ भी कर लिया लेकिन जल्दी का काम ना पकड़िए? 20 साल में भी जल्दी हो रही है। मैं पता नहीं क्या करते रहे मोबाइल लो, हम तो चले भाई अपनी दिहाड़ी देखनी, तुम अपना काम करते रहो। उठा लियो ठाली किसे कह रहा भाई? अरे पैसे कमा रहे मोबाइल तो। मोबाइल लो तो। हाँ जी पैसे कमाने हैं क्या? हाँ यार मुझे भी जरूरत है पैसे की तो। अपस्टॉक्स। अच्छा ठीक है। अपस्टॉक्स सबसे बढ़िया शेयर ट्रेडिंग म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म है। हाँ। जिसमें रतन टाटा जी ने खुद इन्वेस्ट किया इसमें। अच्छा। और डीमेट अकाउंट अगर तुम ओपन करोगे ना कहीं भी तो 500 रुपए लगेंगे, लेकिन अपस्टॉक्स तुम्हें फ्री में अकाउंट ओपन करके दे रहा। फ्री में? हाँ जी। अच्छा बस क्या करना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाओ और अपनी बेसिक डिटेल के साथ में पैन कार्ड की डिटेल भर दो और आपका अकाउंट चालू। अच्छा। एक खुशखबरी सबसे बढ़िया तुम्हारे लिए है, 28,000 रुपए तक सर्विसेज फ्री है। और भाई साहब जब शेयर घट जाए तो उसे खरीद ले, और जब शेयर बढ़ जाए तो उसे बेचकर पैसा कमाए। अच्छा जी वो मतलब बढ़िया क्या है, अरे जाओ और पैसा कमाओ। अरे मोबाइल घर रखा मैं तो जाऊं।